लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर जिला अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी की बैठक भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी मंगलेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक। अनुमंडलीय स्तरीय एवं सीमावर्ती इलाकों के थाना अध्यक्ष हुए शामिल। बैठक में सभी थाना अध्यक्षों को डीएसपी मंगलेश कुमार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराध पर नियंत्रण रखने, टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी, सीमावर्ती इलाकों में गश्ती बढ़ाते हुए अपराध पर अंकुश लगाने एवं शराब माफियाओं पर नकेल कसने के दिशा निर्देश दिए। असम लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर जिला मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं हूँ और उसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, बेलहर, हवेली खड़गपुर, तारापुर हैं। इसके अलावा जो भी थाने, जो सीमावर्ती थाने हैं दोनों तीनों ज़िलों के, वो सभी थानाध्यक्ष भी हैं। और इसमें खास करके कुछ बिंदुओं पे जो हम लोगों ने चर्चा किया, उसमें यह था कि जो भी हमारे सीमावर्ती अपराधियों की सूची है उसका आदान प्रदान हम लोगों द्वारा किया जाएगा। कौन सा अपराधी नहीं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी अपराधी हैं, जो सक्रिय हैं अपराध में, उनके ऊपर हम लोग चर्चा हुई कि सूची का आदान प्रदान होगा। उसके अलावा जो भी हमारे अंतर जिला के चेक पॉइंट्स हैं उसको हम लोग स्थापित करके और वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जाएगी और सघन वाहन जांच होगा, हर तरीके से हम लोग वहाँ अलर्ट रहेंगे। साथ ही साथ जो भी अवैध खनन के हॉटस्पॉट हैं, चाहे ऐसे जो भी क्षेत्र हैं जहाँ अपराधियों की गतिविधि ज़्यादा रहती है, उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाएगी। हाँ, अवैध खनन हो चाहे कोई भी अवैध काम से संबंधित हॉटस्पॉट हो जहाँ पे लगातार अपराधियों की गतिविधि पाई जाती है, वहाँ पे हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। और चुनाव के दौरान नकदी, अवैध हथियार या अवैध शराब और कोई भी ऐसा NDPS का सबस्टांस हुआ उसके सप्लाई के ऊपर लगातार हम लोग की नज़र रहेगी। साथ ही साथ सूचना संकलन हम लोग लगातार करेंगे, उसके साथ हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना हम लोग बना रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे रेड वारंटी हैं, स्थाई वारंटी, उनका लिस्ट, अनएक्सक्यूटेड वारंट का लिस्ट और इन सब का आदान प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन प्लान रहेगा हम लोगों का, किसी भी तरीके का अगर असूचना होती है तो उसकी शेयरिंग के लिए। साथ ही साथ लगातार हम लोग सीमावर्ती क्षेत्रों पे भी नज़र रखेंगे और आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करके लोकसभा चुनाव को अच्छे से करा लेना हमारा मुख्य उद्देश्य। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आँखों की जाँच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहाँ के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।